तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रिकनेक्ट का इन्वर्टर एसी है और उस एसी में PC01 एरर आ रहा है, तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रिकनेक्ट एसी में PC01 एरर आ रहा है, तो यह एरर है ओवर वोल्टेज एंड ओवर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। यह चार कारणों से आपके एसी में यह समस्या आ सकती है। पहला कारण हो सकता है कि आप घर के इनपुट करंट को चेक करें। आपके घर का वोल्टेज 220 वोल्ट से 240 वोल्ट होना चाहिए, यह नॉर्मल करंट है। अगर एसी में वोल्टेज 220 वोल्ट से 240 वोल्ट से कम या ज्यादा आ रहा है, तो आपको घर के पावर सप्लाई को चेक कराए और वोल्टेज ठीक कराए, तो यह एरर ठीक हो जाएगा। और आपके एरिया में वोल्टेज का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एसी में स्टेबलाइजर लगवाए तो भी यह एरर ठीक हो जाएगा। और आपके घर का वोल्टेज ठीक है और फिर भी यह एरर आ रहा है, तो दूसरा कारण हो सकता है कि आप एसी को मैन स्विच से ऑफ करके आउटडोर यूनिट के पीसीबी को खोले और फिर एसी को ऑन करके फैन मोटर के कनेक्टर में वोल्टेज चेक करें। अगर वोल्टेज 240 वोल्ट से 410 वोल्ट से बहुत कम या बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपकी आउटडोर की पीसीबी खराब हो गई है, तो आपको आउटडोर की पीसीबी को बदलना होगा। आउटडोर यूनिट की पीसीबी को बदलने के बाद आपका यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई हो। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें।